कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं FirstBite.TV। आइए रुख करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। 100 घंटे से सुरंग में फंसे हैं 40 मजदूर, अब उत्तराखंड के उसी इलाके में आया भूकंप। रेस्क्यू के लिए लाई गई अमेरिकी ड्रिल मशीन। टीम इंडिया ने फाइनल में मारी एंट्री, 12 साल बाद इतिहास रचने से एक कदम दूर। 2031 तक चंद्रमा की सतह पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी में रूस। थप्पड़ कांड का सच नाना पाटेकर ने बताया। इजरायली सेना का दावा, अल शिफा में मिले ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 100 घंटों से 7 राज्यों के 40 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। टनल हादसे का आज 5वां दिन है। इसी बीच अब उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से धरती हिली है। उत्तरकाशी के सुलकारिया क्षेत्र में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। ये वही क्षेत्र है जहां टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। वायुसेना के विमान के जरिए दिल्ली से लाई गई अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन सुरंग में फिट की गई है। ड्रिलिंग का काम अब जल्द शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 12 साल के बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां दूसरे सेमीफाइनल को जीतने वाली टीम से भारत का मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल की बाधा को नापार कर पाने वाली टीम इंडिया 12 सालों के बाद फाइनल में है और इतिहास रचने से भारत सिर्फ एक कदम दूर है। रूसी राज्य समाचार एजेंसी ने बुधवार को जानकारी में बताया कि रूस चंद्रमा पर मानव मिशन की योजना बना रहा है, जिसमें चंद्रमा पर पहली रूसी मानव लैंडिंग भी शामिल है। चंद्र आधार की तैनाती के लिए 2031 से 2040 का समय निश्चित किया गया है। योजना में चंद्रमा के संसाधनों के दोहन की भी बात की गई थी। अभिनेता नाना पाटेकर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर दावा किया जा रहा था कि सेल्फी लेने पर उन्होंने एक फैंस को थप्पड़ जड़ दिया था। अभिनेता ने वीडियो जारी कर इस घटना के लिए माफी मांगी है, साथ ही बताया कि ऐसा किस परिस्थिति में हुआ था। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के काशी का है। घटना दशाश्वमेध घाट के पास की है। यहां नाना पाटेकर फिल्म जर्नी की शूटिंग कर रहे थे। इजरायली सेना गाजा के अल शिफा अस्पताल में बीते दिन दाखिल हो गई थी। सेना ने अब दावा किया है कि उस अस्पताल के भीतर कमांड सेंटर और हथियार मिले हैं। हालांकि हमास ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इजरायली सेना के आरोपों को झूठ और सस्ता प्रचार बताया है। अल शिफा अस्पताल में मिले हथियारों को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा, हमारे सैनिक अब भी अस्पताल की तलाशी ले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV।